नमस्कार किसान साथियों, बहन भाइयों के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने मन पसंदीदा YouTube चैनल साधुवाद केसरी पर, जहां हम आपको आलू के भावों से रोज़ाना अपडेट कराते हैं। चूंकि आज रक्षाबंधन है, इस वजह से ज़्यादातर मंडियों में आज आलू की खरीदारी नहीं हुई है और जहां पर उन पर आड़तों पर हुई है, जहां पर मुस्लिम काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या रहे, और आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहूँगा मैं कि आज कल देर रात 9:30 बजे एक प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, सभी राज्यों के थे। आलू पे जो इस वर्तमान स्थिति है उस पर भी चर्चा की गई थी और सभी राज्यों ने बताया था कि आलू जो है कोल्ड स्टोरेज मालिक इन पर किसानों पर दबाव बना रहे हैं और दबाव की वजह से किसान आलू नहीं निकाल पा रहा है और कुछ दलालों के चक्कर में। तो सरकार ने ये कह दिया है कि राज्य स्तर पर सभी कोल्ड स्टोरेजों की बैठक बुलाई जाए और जो दलाल हैं उन पर नकेल कसी जाए और कोल्ड स्टोरेज जो प्राइवेट हैं उनसे सीधा एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाएं कि वो किसी भी को किसान को बरगलाएंगे नहीं, उन्हें धमकाएंगे नहीं, उन्हें डराएंगे। तो ये आपके लिए खुशी वाली बात है। और अगर जनपद हाथरस की बात करें तो मंडे को जनपद हाथरस में मुख्य विकास अधिकारी RB भास्कर द्वारा समस्त कोल्ड स्टोरेजों की बैठक बुलाई मालिकों की और उसमें साफ निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि इस स्तर की बैठक है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने बैठक ली थी सर्वदलीय और सभी राज्यों से जो कृषि मंत्री थे सभी को बुलाया था, सीधा निर्देश दिया था, काफ़ी तल्ख दिख रहे थे। उसी का नतीजा है कि अब समस्त जिलों में शासन के निर्देश पर सोमवार को मीटिंग बुलाई गई है कोल्ड स्टोरेज मालिकों की और व्यापारियों की, ताकि आलू किसान जो हैं वो ना हो, बर्बाद ना हो, आलू किसानों को आलू की उपज का सही मूल्य मिले। तो देख लेते हैं किसान भाइयों मंडी भाव, और आज हम लास्ट में आपको बताएंगे कोल्ड स्टोरेज भाव। तो सबसे पहले मुरादाबाद की देख लेते हैं, 625 रुपये प्रति पैकेट बिका है। कन्नौज में 607 रुपये प्रति पैकेट, इटावा में 512, खेकड़ा में 500 रुपये प्रति पैकेट, देवरिया में 530, खुड़जा में 565, जंगीराबाद में 568, शामली में 562, हापुड़ में 570, सहारनपुर में 507, टूंडला में 510, आगरा में 612 रुपये पैकेट, मुजफ्फरनगर में 512 रुपये पैकेट, कानपुर में 610 रुपये पैकेट, अलीगढ़ में 510 रुपये पैकेट, फिरोजाबाद में 520 रुपये प्रति पैकेट, शिकोहाबाद में 510 रुपये प्रति पैकेट, सिरसागंज में 512 रुपये प्रति पैकेट, झांसी की मंडी में 507 रुपये प्रति पैकेट, कन्नौज की मंडी में 510 रुपये प्रति पैकेट, मैनपुरी की मंडी में 505, मथुरा में 612 चिपचौना, बिलासपुर में 610 चिपचौना, मैनपुरी में 605 चिपचौना, फरुखाबाद में 507 3797, सादाबाद में 500 रुपये, खैर की मंडी में 520 रुपये, मेरठ में 525, औरैया में 520, मथुरा में 512 रुपये पैकेट, महाथरस में 515, एटा में 515, जसवंत नगर में 522, बांगरमऊ की मंडी में 545, स्याना की मंडी में 550, अमरोहा की मंडी में 550 और बदायूं की मंडी में 540 रुपये प्रति पैकेट रहा है। ये थे किसान भाइयों बहुत ही सूक्ष्म मंडी रेट्स। अब जान लेते हैं कोल्ड स्टोरेज रेट। तो बहजोई के कोल्ड स्टोरेज से शुरुआत कर लेते हैं। बहजोई के समस्त कोल्ड स्टोर में 475 रुपये प्रति पैकेट, जसवंत नगर के कोल्ड स्टोर में 500 रुपये प्रति पैकेट यानी 450 से 500, झांसी में 400 से 462, दिबियापुर में 430 से 470, हापुड़ में 430 से 462, रायबरेली में 400 से 450, अमरोहा में 400 से 462, चंदौसी में 400 से 450, आगरा में 400 से लेकर 450, कानपुर में 400 से 450, मुजफ्फरनगर में 440 से 470, बाराबंकी में 430 से 470, गोंडा में 420 से 450, जौनपुर में 425 से 450, खुर्जा में 425 से 470, मुरादाबाद में 450, लखनऊ में 462, खैर में 400 रुपये से लेकर 462, मथुरा में 350 से 450, वाराणसी में 350 से 650, जलालाबाद की कोल्ड स्टोरेजों में 350 से 465, जसवंत नगर के कोल्ड स्टोरेजों में यही हालत है, फरुखाबाद में आपका 350 से 407, फिरोजाबाद में 350 से 460, हाथरस में 350 से 450, हरदोई में 300 से 405, मेरठ में 370 से 470, बदायूं में 362 से 462, सिंदौली में 400 से 462, शाहजहाँपुर में 425 से 465, अछलदा में 400 से 450, पीलीभीत में 400 से 460, एटा में भी यही स्थिति है 400 से 460, बस्ती में भी यही है 400 से 450, बुलंदशहर में
350 इटावा में 350 से 400। तो किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज में तो लुटना शुरू हो गए हैं किसान जो है। और एक यूट्यूबर तो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्खा समझ रहा है कि वो जिन क्या कर लेगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपका आलू 800 ही बिकेगा। वो यूट्यूबर आज आप मेरी बातों को नोट कर ले, आलू अगर 800 नहीं बिका तो अपना चैनल बंद कर दे। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से उसको चेतावनी दे रहा हूँ कि वो किसानों को बरगलाना बंद कर दे अपने यूट्यूबर और सब्सक्राइबर के चक्कर में, क्योंकि सुनने में आया है कि वो हमारे चैनल की वो करता है, बुराई करता है, तो अपने चैनल के सब्सक्राइबर व्यूवर बढ़ाने के चक्कर में। तो इससे ज़्यादा नीचता की कोई बात नहीं होगी क्या, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहा है अपने चैनल के चक्कर में। तो वो नोट कर ले, स्टाम्प पेपर में भी मैं लिख के दे सकता हूँ आलू आपका 800 ही बिकेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें क्योंकि मंडियों में उतार चढ़ाव है, और जब ये उतार चढ़ाव बंद होगा तो आपका आलू 800 ही बिकेगा, ये गारंटी के साथ है। कल प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई सभी राज्यों की, आज उत्तर प्रदेश राज्य ने फॉलो करते हुए सोमवार को सभी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मीटिंग बुलाई जाए, व्यापारी बुलाए जाएं, आड़त वाले बुलाए जाएं, दलाल ना बुलाए जाएं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी है, और इसी वजह से अब आपके आलू के आलू को पंख लगने वाले हैं मूल्यों को, और आलू आपका अच्छा बिकने वाला है। लेकिन चंद व्यूअर या सब्सक्राइबर के लिए आप इतनी नीचता पर गिर जाएं कि आप किसी की हंसी माखौल उड़ाने लग जाएं, किसी की हंसी उड़ाने लग जाएं, तो इससे बड़ा शर्मिंदगी कोई नहीं होगी। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, आज खाकें तो कल आप ध्यान रखना क्या हो सकते हैं हम। तो आपको ये बात समझनी होगी किसान भाइयों कि कुछ यूट्यूबर जो हैं आप लोगों को इस तरीके से गाइड कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें गाइड नहीं करना चाहिए। अपने चैनल को बढ़ाने के लिए वो दूसरे चैनल को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन मैं उन चैनल वालों को और किसान भाइयों आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर आलू 800 बिक गया ना, इन्हें मुँह छुपाने जगह नहीं मिलेगी। और ये बिल्कुल भी, मैं इनसे कह रहा हूँ 800 आलू बिक जाए अपना चैनल बंद कर देना, चैनल चलेगा सोनू चौधरी का चलेगा, नहीं तो किसी का नहीं चलेगा इस यूट्यूब पे। और मैं उसके आईपी एड्रेस तक को हैक करके अपने आप ही चैनल को ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन अब वो आदमी समझ ही नहीं रहा है, वो आदमी अपने सब्सक्राइबर व्यूअर के चक्कर में 10-15 गुर्गों को और छोड़ देता है। तो ये उस आदमी को समझनी चाहिए कि भाई वो चाह क्या रहा है, क्योंकि तो उसमें और हम में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो किसान भाइयों आप लोगों के लिए मैं आपको एक यही खुशखबरी थी, और जिस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाना है ना वो लेडीज़ करती हैं, ठीक है ना। मेरा आपसे यही है, आपका आलू 800 बिकेगा, 800 ही बिकेगा, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका आलू 800 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, और वो भी कोल्ड स्टोरेज से बिकेगा। अगर वो आदमी ये सुन रहा हो तो वो कंपेयर कर ले, नोट करके रख ले कि आज 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को सोनू चौधरी ने सादाबाद केसरी पर यह कहा था कोल्ड स्टोरेजों में से 800 ही बिकेगा, और आज 800 बिक रहा है, अपना चैनल बंद करके चला जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो भी मेरे चैनल पर बना हुआ है वो ये कह रहा है कि नहीं सोनू भाई 400 फेंकेगा, 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, उनके लिए भी एक चेतावनी है कि वो भी चैनल छोड़ के चले जाएं, फेंकेगा बिकेगा। और मैं वादा करता हूँ आपको, जिस दिन आलू 800 हो गया कोल्ड स्टोरेज में, आप सभी किसान भाई लौट के मेरे चैनल पर आ जाएंगे, उस चैनल को आप खुद ही छोड़ के चल के आओगे कि भाई ये तो बेवकूफ़ बनाता रहता था, सोनू चौधरी बिल्कुल सही कहता था। दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, आप लौट के आओगे मेरे चैनल पे। आज तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नहीं व्यूअर दे रहे हो, नहीं लाइक दे रहे हो। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप एक दिन इसी सादावत के इसी चैनल पे लौट के आओगे, व्यूअर भी दोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे। फिर देखना किसानों के साथ कौन था, आपको भी अपने अंदर से आवाज़ आएगी, सोनू चौधरी हमेशा सही कहता था, हमने उसकी बात को इग्नोर किया और आज देख लीजिए हमारा आलू बिक रहा है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, देखते रहिए सादाबाद केसरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।